हेलो फ्रेंड, नमस्कार, वेलकम टू टेक्निकल जीएसएम। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, रेडमी 5 मेरे पास एक आया हुआ है। एक्चुअली एक शॉप रिटर्न है और ये पीस हाफ शॉर्टिंग है। तो ये रिटर्न आ चुका है और जहाँ से गया था बनने के लिए वहाँ पे चार्जिंग जैक वगैरह सब कुछ चेंज करके देख लिया, पूरी हिस्ट्री वगैरह, लेकिन पीस ऑन हुआ नहीं है। तो अभी ये हाफ शॉर्टिंग है और अभी भी बन नहीं पाया है। तो आज हम इसको आप दिखाते हैं, इसको चेक कैसा करना है और इसे आसानी से हम हाफ शॉर्टिंग को कैसा देख सकते हैं, हमारा कौन सा कैपेसिटर कहाँ पे शॉर्ट है और इजी हम रिपेयर कर सकते हैं। तो आइए दिखाते हैं हम आपको, कैमरे इधर लाओ। तो फर्स्ट ये रेडमी फाइव का बोर्ड है, एकदम फ्रेश है, आप देख लो। इधर लाओ, ये देखो, सील तक नहीं, जूम मत करो, सील्ड वगैरह तक नहीं निकला, देख लो आप। तो भी रिटर्न आ गया और मैंने फाइंड कर लिया है इसका फोल्ड, लेकिन आपको कैसे फाइंड करना है वो दिखाना है। तो सबसे पहले आपको दिखा दूँ इसका हाफ शॉर्टिंग कैसे चेक करेंगे हम। तो मल्टीमीटर को हम बीप में रेंज में रखेंगे, मल्टीमीटर की तरफ ले जाओ, मल्टीमीटर बीप रेंज रखेंगे और यहाँ दिखाओ। तो ये देखिए, हम ये निगेटिव से रख दिया और पॉजिटिव को पॉजिटिव। तो पहले हम कूल टेस्टिंग देखते हैं, पहले हम पॉजिटिव ग्राउंड करते हैं और निगेटिव यहाँ पर रखते हैं। तो रीडिंग देखिए, वहाँ मल्टीमीटर में रीडिंग दिखाइए, दिख रहा है? तो रीडिंग एकदम बराबर है, लेकिन हम जब पॉजिटिव को पॉजिटिव में कर देते हैं और निगेटिव को हम जब करते हैं, तो अब रीडिंग दिखाइए। तो अब आप रीडिंग देखिए, रीडिंग दिख रहा है? तो ये 400 रीडिंग, मतलब ये हाफ शॉर्टिंग है। यहाँ पे हमारा रीडिंग 400 नहीं आना चाहिए, यहाँ पे हमारा कोई रीडिंग नहीं आना चाहिए, या तो आके चला जाना चाहिए या 1000 के ऊपर होना चाहिए, 1000 के आसपास होना चाहिए। तो इसका मतलब इस पीस में हाफ शॉर्टिंग है। तो मैंने पहले भी बता चुका है हाफ शॉर्टिंग रिमूव कैसे करते हैं, फुल शॉर्टिंग कैसे रिमूव करते हैं। उसके लिए हमें एक जुगाड़ यूज़ करना पड़ेगा, जो ये हमारा है, ये मैंने इसे अपग्रेड किया। पहले मेरा 4 एम्पियर था, लेकिन अब मैंने इसे जो बनाया 10 एम्पियर का हाई पावर है। तो इसको चार्ज भी कैसे करते हैं, सब बोलते हैं चार्ज कैसे करना। तो ये देखिए, मैं चार्ज इसे पावर सप्लाई से कर रहा हूँ, पावर सप्लाई दिखाओ, ये पावर सप्लाई से ही चार्ज हो जाता है। तो अब इसके ज़रिए हम फाइंड करेंगे कि हमारा ये लीकेज कहाँ है बोर्ड में, हाफ शॉर्टिंग कहाँ है। तो पहले हम इसको चार्जिंग से निकाल लेते हैं और आपको दिखाते हैं। मुझे तो पता है, ये मैंने ऑलरेडी चेक कर लिया है, तो फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ ये कहाँ से रिटर्न आया शॉप से। तो पावर रसी वगैरह का सेक्शन एकदम फ्रेश है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, टोटली एकदम कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, और कुछ काम भी नहीं किया हुआ ज़्यादा कुछ, शॉप से रिटर्न आ गया। उनके समझ में नहीं आया, लोगों को हाफ शॉर्टिंग का कुछ समझ में नहीं आता, रीडिंग्स वगैरह के बारे में रोज मालूम ही नहीं है। 90% शॉप वाले को रीडिंग्स वगैरह क्या होता है मालूम नहीं है, कुछ भी नहीं मालूम है, और बोर्ड में पानी भी नहीं गया कहीं। तो हमने पहले क्या करना है, इसको ग्राउंड कर देना है, एक ग्राउंड वाला हमें कहीं भी ग्राउंड पर लगा देना है। तो हमने इसे ग्राउंड पर लगा दिया, अब हमें पॉजिटिव को प्लस पे टच करना है अपने। तो हम जब प्लस पे टच करेंगे, उसके लिए हमें देखिए ये पेस्ट है, इसको पहले महसूस करना है हमें लीकेज का है। तो हम जब इसे यहाँ प्लस पे लगाएंगे, तो ये देखिए यहाँ पे जोर जूम करिए एकदम एग्जैक्ट, तो ये देखिए यहाँ भी चिंगारी निकल रहा है, यानी ये शॉर्टिंग शो कर रहा है। तो ये लेकिन जब हम हाथों से टच करेंगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि ये शॉर्ट कहाँ है। तो मुझे तो पता है ये कैपेसिटर शॉर्ट है, ठीक है। तो आपको जब पता नहीं होगा, तो इसको चेक करने के लिए क्या करना, आप कोई पेस्ट लेना, आप तो इस तरह का पेस्ट यहाँ पे आप लगाना, पूरे बोर्ड में लगाना, आप जहाँ जहाँ आपको हीटिंग महसूस हुई उस एरिया में आप लगा देना। तो अभी मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, अभी यहाँ एग्जैक्ट दिखाओ, ये कैपेसिटर पे लेके जाओ, दिख रहा है कैपेसिटर? और देखो, हाँ जूम करो थोड़ा सा, 10 पूरा कैपेसिटर, 10 नहीं करो, 10 नहीं करो, एक सेकेंड, यहाँ ये कैपेसिटर है ना, ओके, हिलाओ मत, जूम मत करो, नज़दीक लाओ कैमरा, नज़दीक लाओ, ओके, थोड़ा सा दूर रखो, हाँ यहाँ पे सेट करो, ओके। तो देखिए, मैं इसको अब प्लस पे टच करता हूँ और देखिए वहाँ पे जो लिक्विड है ना, वो अपने आप हीटिंग होने लगेगा और उसमें से धुआं वगैरह स्मोक आने लगेगा। देखिए, दिख रहा है आपको? देखिए यहाँ पे भी गर्म हो गया मेरा ट्वीज़र भी, थोड़ा सा ही लगाना है हमें, क्योंकि 10 एम्पियर का है, काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाएगा। देखिए आप, यहाँ पे हीटिंग हो रहा है। तो हम इस कैपेसिटर को निकालेंगे और आपको वापस रीडिंग दिखाएंगे। तो हमें इसको मामूली कुछ नहीं करना है, हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं और देखते हैं हमारा शॉर्टिंग हटता है कि नहीं। ये देखिए, एकदम फ्रेश कैपेसिटर अभी हमने रिमूव कर दिया है, और वापस देखते हैं वहाँ पे हीटिंग वगैरह शो करता है कि नहीं करता है वहाँ पे। देखिए यहाँ पे कोई चिंगारी नहीं, कोई हीटिंग नहीं। अब मेरा पीस ऑन होता है कि नहीं वो चेक करने से पहले मैं आपको रीडिंग दिखा देता हूँ इसका।
तो ये मेरा जुगाड़ शॉर्ट किलर, इससे मैंने भाई सैकड़ों फोन रिपेयर किया है। जब किसी को पहली बार यूट्यूब पे मैंने वीडियो भी डाला था तब शॉर्ट किलर के बारे में वीडियो था ही नहीं, सब शॉर्ट किलर खरीद के लाते थे और बताते नहीं तो क्या चीज़ है। तो मैंने 4 साल पहले इसका वीडियो डाला था, आप देख सकते हो। तो अब रीडिंग दिखा देता हूँ मैं, रीडिंग दिखाओ वहाँ पे, पहले यहाँ पे लगाता हूँ मैं, यहाँ दिखाओ, यहाँ दिखाओ, ये देखिए ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। अब निगेटिव वहाँ पे दिखाओ, अब देखिए मैं इसको टच करता हूँ, ये देखिए रीडिंग आई 1000 के ऊपर चली गई। फिर से दिखाता हूँ, रीडिंग पे देख रहे हो, ये देखिए मैं टच कर रहा हूँ, रीडिंग आई चली गई, रीडिंग आई चली गई, मतलब ये हमारा शॉर्टिंग निकल गया है। अब हम पीस ऑन करके देखते हैं, यहाँ लाइए पीस को, इसको असेंबल करते हैं और इसे ऑन करके देखते हैं पीस हमारा ऑन हुआ कि नहीं हुआ। तो काफ़ी दिनों से रखा हुआ था, मैंने कस्टमर को इसको 1000 रुपीज़ का चार्ज भी लिया हुआ है बनाने का और मुझे टाइम नहीं मिल रहा। मैं आजकल कैब ड्राइविंग भी करता हूँ तो उसका एडिटिंग वगैरह करने से मुझे फुर्सत ही नहीं है। तो इसके लिए अभी देखिए देखिए इनकी बैटरी भी फुल चुकी है, शॉर्टिंग की वजह से हुई है ऐसा। तो अब देखते हैं ऑन होता है कि नहीं होता है, तो इसको ऑन करके देखते हैं। तो इधर दिखाओ, अभी तो बैटरी आई थिंक डाउन होगा मेरे हिसाब से, बैटरी डाउन है। मैं इसको चार्जिंग लगा के देखता हूँ, शॉर्टिंग तो हट गई है पूरी तरह से। हाँ ये मैंने चार्जिंग लगा दिया, ये देखिए पीस ऑन हो गया है। और मेरा चार्जर का एम्पियर दिखाइए, ये देखिए ये चार्जर का एम्पियर भी लेने लगा है, अभी ये शो करेगा। अभी ये माई पर इधर दिखाइए, माई पर ये देखिए ये पीस ऑन हो गया, 0% चार्ज। अब वहाँ दिखाइए, ये देखिए 1.5 एम्पियर ले रहा है, मतलब अच्छी चार्जिंग हो रही है ये। तो हमारा पीस पूरी तरह से सही हो गया। तो ये एक छोटा सा फॉल्ट था, शॉर्टिंग के बारे में मैंने पहले भी कई वीडियो बनाए थे, मुझे दिखाओ, मैंने ऑलरेडी कई वीडियो बनाए थे शॉर्टिंग के बारे में, लोगों ने शॉर्टिंग नहीं निकाल पाया आज तक। तो मैंने इसके लिए जुगाड़ भी लोगों को बताया आसानी से कैसे बना सकते हैं कैसे नहीं। वीडियो ज़्यादा लंबी तो नहीं हो रही है, कितने मिनट की हुई है? 6 मिनट। ओके 6 मिनट। तो ये जो देसी जुगाड़ है इसे कैसे बनाना है इसका मैं लिंक आपको दे दूंगा, ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियो इसका पड़ा हुआ है, पुराने वाले भी नए वाले भी। मैंने कई पीसों का शॉर्टिंग निकाल दिया है और लोगों ने काफ़ी अच्छा रिप्लाई दिया है। मैंने जो एक पीस पर जीवनी का शॉर्टिंग सब फर्स्ट टाइम 4 साल पहले निकाला था, 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने उस वीडियो को पसंद किया है, देखा है, और 3 से 4 हज़ार लाइक्स भी आए हैं, मुझे कई हज़ारों कमेंट्स भी आए हैं, आप वो वीडियो भी देख लेना। तो मैं एकदम फेक फार्मूला नहीं बताता हूँ, एकदम इजी सस्ता और आपका जुगाड़ से काम हो जाने वाला चीज़ दिखाता हूँ। और मेरा ये जुगाड़ आपको मैं दिखा देता हूँ, इधर लाइए, ये जो माइक्रोस्कोप मैंने मैनुअल जुगाड़ वाला बनाया था ये भी बहुत काम का है। देखिए इससे कैपेसिटर को मैं यहाँ से देख रहा हूँ, और इसको और भी अच्छा देखना तो आप मोबाइल का कैमरा यहाँ पे रख सकते हैं। मैं इस कैमरे को यहाँ पे ले जाता हूँ, ये ऊपर वाला लेंस निकालिए और कैमरे को स्टैंड पे आप रख सकते हो और काफ़ी अच्छा काम कर सकते हो। देखिए ये कैपेसिटर, बोर्ड भी दिखाता हूँ आपको, बोर्ड दिखाता हूँ, इसमें नहीं समझ में आएगा, चार्जिंग निकालिए वहाँ से आराम से पकड़ के, स्ट्रिप को निकल गया, ठीक है, आपको बोर्ड दिखाता हूँ मैं इसके ज़रिए कितना अच्छा वीविंग होता है। अभी आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे, माइक्रोस्कोप लेना ही नहीं पड़ेगा आपको। कैमरा किस साइड है इसका, ये देखिए यहाँ पे शॉर्टिंग कहाँ थी, शॉर्टिंग इधर थी एग्जैक्ट, ये देखिए ये कैपेसिटर निकला हुआ है। मेरा कैमरा एक्चुअली अच्छे अटैच नहीं हो रहा है, मैंने उस हिसाब से नहीं बनाया ये मोबाइल को। ये देखिए ये यहाँ पे शॉर्टिंग थी एग्जैक्ट, आप देख लो यहाँ पे शॉर्टिंग थी, और इसे आंखों से देखने के लिए एकदम अच्छा दिखता है जब इस पर डबल लेंस हम कर देते हैं। ये देखिए ये मेरा जुगाड़, ये जुगाड़ भाई मेरा काफ़ी, आज तक मैंने माइक्रोमैक्स खरीदा ही नहीं, मैं इसी से काम करता हूँ पूरी तरह से, एकदम माइक्रोमैक्स की तरह माइक्रोस्कोप की तरह ही काम करता है। दिखाओ ये देखिए मैं इस तरह से देख के काम करता हूँ और पूरी तरह से काम हो जाता है, और SMD भी मैं आराम से चला लेता हूँ, मेरी हैबिट हो चुकी है, मैं कई सालों से यूज कर रहा हूँ। तो फ्रेंड वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहूँगा और आपको मोबाइल रिपेयरिंग का आसान तरीका बताते रहूँगा। जय हिंद, धन्यवाद।